जार कर लिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। इसमें इसका जो प्रोसेस है सबमर्ज जार कर लिंग का वो भी बताऊँगी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो मेन टाइप्स के फ्लक्सेस हम इसमें यूज़ करते हैं सॉ में वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबमर्ज जार वेल्डिंग का डायग्राम है, तो पहले मैं आपको सबमर्ज जार वेल्डिंग के प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से हीट जनरेट हो रही है उसका यूटिलाइजेशन होता है। मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस हीट जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क, और ये इलेक्ट्रिक आर्क किसके बीच में इस्टेब्लिश्ड है? इलेक्ट्रोड वायर और वर्कपीस के बीच में। इलेक्ट्रोड वायर को हम बेयर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर और कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक आर्क है ये इन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश्ड है। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, जो वेल्डिंग आर्क है और जो वेल्ड पूल है वो कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं किसके अंडर, कवर ऑफ ग्रैन्यूलर फ्यूजेबल एंड मोल्टन फ्लक्स। क्योंकि ये टोटली सबमर्ज होते हैं ये इलेक्ट्रिक आर्क और वेल्ड पूल टोटली, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लक्स के अंदर कवर, फ्लक्स से कवर्ड है, सबमर्ज है या फिर शील्डेड है। तो इसीलिए हम इसे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आर्क है वो टोटली सबमर्ज है फ्लक्स के अंदर, वेल्ड पूल और आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से हीट जनरेट होती है और उसकी हीट जनरेट होने की वजह से जो ग्रैनुलर फ्लक्स है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है वेल्डिंग के दौरान, और एक कवर फॉर्म करता है मोल्टन फ्लक्स लेयर की, एक कवर फॉर्म करता है जो कि स्पैटर टेंडेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करती है और डिफेंड करती है एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन से। आर्क जोन और वेल्ड पूल को डिफेंड करती है एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन से, मतलब विच इन टर्न अवॉइड्स स्पैटर टेंडेंसी एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस टू द आर्क जोन एंड वेल्ड पूल। जो फ्लक्स मटेरियल है वो कंडक्टिव हो जाता है जब मोल्टन स्टेट में होता है, और वो क्या करता है एक पाथ बनाता है करंट का, मतलब इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एक करंट का पाथ बना देता है ताकि जो करंट है वो पास होना स्टार्ट हो जाए, मतलब क्रिएटिंग अ पाथ फॉर द करंट टू पास बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। और जब फ्लक्स कोल्ड हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। व्हेन एवर द फ्लक्स इज कोल्ड देन इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अब मैं आपको स्पैटर के बारे में बताती हूँ। अब स्पैटर क्या होते हैं? स्पैटर मोल्टन मटेरियल के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उन्हें हम स्पैटर कहते हैं, और ये वेल्डिंग आर्क के पास या फिर उसके ऊपर जो है जनरेट हो जाते हैं। स्पैटर विच इज एसेंशियली ड्रॉपलेट्स ऑफ मोल्टन मटेरियल दैट आर जनरेटेड एट और नियर द वेल्डिंग आर्क। और ये करते क्या है, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी है वेल्डिंग की वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो हमारा मोल्टन फ्लक्स लेयर का कवर है वो क्या करता है, इसकी टेंडेंसी को, ये जो स्पैटर टेंडेंसी है उसको अवॉइड करता है ताकि जो एफिशिएंसी है वेल्डिंग की वो डिक्रीज ना हो। अब वेल्ड पूल, जिसका मैं कई बार ही नाम ले चुकी हूँ, बेसिकली ये होता क्या है, ये एक डाइम साइज का वर्केबल पोर्शन है जो कि वेल्डिंग की वजह से बनता है। टाइम साइज मतलब सर्कुलर, और इसका जो बेस मेटल है वो मेल्टिंग पॉइंट पर रीच कर जाता है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि फिलर मटेरियल के साथ ये इन्फ्यूज़ होने के लिए तैयार हो जाता है। वेल्ड पूल कॉमनली रेफर्स टू द डाइम साइज वर्केबल पोर्शन ऑफ अ वेल्ड वेयर द बेस मेटल हैज़ रीच्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड इज रेडी टू बी इन्फ्यूज विद द फिलर मटेरियल। द वेल्ड पूल इज सेंट्रल टू द सक्सेस ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, अब जो हमारी मोल्टन फ्लक्स थी वो क्या करती है, मोल्टन वेल्ड मेटल की इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करती है और स्लैग को फॉर्म करती है, और ये जो स्लैग है वो जो वेल्ड मेटल की सरफेस है उस पर फ्लोट करता है, और जो ये जो लेयर है स्लैग की ओवर द मोल्टन वेल्ड मेटल, इसकी वजह से होता क्या है, ये करती क्या है, जो वेल्ड मेटल है उसकी प्रोटेक्शन बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है उसकी प्रोटेक्शन, किससे, फ्रॉम एटमोस्फेरिक गैस कंटेमिनेशन। एटमोस्फेरिक गैस कंटेमिनेशन से वेल्ड मेटल की प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर देती है और जो प्रॉपर्टीज़ है वेल्ड जॉइंट की उसे भी इम्प्रूव कर देती है। तो मोल्टन वेल्ड मेटल के ऊपर स्लैग की लेयर आ जाने की वजह से जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो ये है कि इट इंक्रीजेस द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्ड मेटल फ्रॉम एटमोस्फेरिक गैस कंटेमिनेशन एंड सो इम्प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्ड जॉइंट। सो वी गेट इम्प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्ड जॉइंट। और दूसरा जो रिजल्ट सामने आया वो ये है कि वेल्ड मेटल की जो कूलिंग रेट है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो हीट अफेक्टेड जोन की वजह से जो हमारा मोल्टन फ्लक्स है वो शील्ड बना लेता है वेल्ड पूल पर, और स्लैग जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्मूथर वेल्ड बीड मिलती है और जो हार्डनेबल स्टील की जो क्रैकिंग टेंडेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसकी वजह से ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। ये जो वेल्डिंग है ये सेमी ऑटोमेटिक मोड में भी ऑपरेट हो सकती है और ऑटोमेटिक मोड में भी ऑपरेट हो सकती है, लेकिन जनरली जो ऑपरेशन है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का वो ऑटोमेटिक मोड में ही डन होता है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग मेथड जो है ये फिक्स्ड मेथड है और एक्सट्रीमली अडैप्टेबल मेथड है। इस तरीके की जो वेल्डिंग है वो क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है, इट इन्वॉल्व्स इन अरेंजिंग द आर्क अमंग अ कॉन्स्टेंटली फेड इलेक्ट्रोड एज वेल एज द वर्क पीस। और जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के पैरामीटर्स हैं वो वेल्ड क्वालिटी को एक्सटेंसिवली इन्फ्लुएंस करते हैं,
मतलब इन दिस द वेल्ड क्वालिटी इज एक्सटेंसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द समर जार वेल्डिंग पैरामीटर्स लाइक वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग करंट एंड आर्क वोल्टेज. मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं इससे एक्सटेंसिवली इन्फ्लुएंस्ड होती है वेल्ड क्वालिटी इस समर जार वेल्डिंग में. तो अब मैं इस फ्लक्स के बारे में बताती हूँ. ये जो ग्रेन्यूलेटेड फ्लक्स है ये इंक्लूड करता है कुछ कंपाउंड्स जैसे कि लाइम, सिलिका, मैंगनीज ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड. ऐसे कंपाउंड्स ये इंक्लूड करता है ग्रेन्यूलेटेड फ्लक्स. जब भी फ्लक्स मेल्ट होता है तब क्या होता है, ये कंडक्टिव हो जाता है. देन इट टर्न्स इनटू कंडक्टिव एज वेल एज ऑफर्स अ करंट लेन अमंग द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड एज आई हैव टोल्ड यू. तो जो सॉलिड लेयर है फ्लक्स की वो क्या करती है, मेल्टेड मेटल को टोटली या फिर कम्प्लीटली रैप कर लेती है और जो स्प्रिंकल है, जो स्प्रिंकल हो रहा है उसे स्टॉप कर देती है और स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेपर्स जो कि इस प्रोसीजर के दौरान जनरेट हो रहे होते हैं उसे भी कवर कर लेती है. तो ये काम होता है ग्रेन्यूलेटेड फ्लक्स का. अब मैं आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बताती हूँ या फिर कंपोनेंट्स कह सकते हो आप, कंपोनेंट्स के बारे में बताती हूँ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के. सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स बताने से पहले मैं कुछ आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को हम हाई करंट वेल्डिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं. मतलब इट इज़ नोन टू बी अ हाई करंट वेल्डिंग प्रोसेस, समटाइम्स इवन ग्रेटर देन 1000 एम्पियर. ये मोस्टली यूज़ होता है हैवी सेक्शंस को ज्वाइन करने के लिए और थिक प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए क्योंकि ये ऑफर करता है डीप पेनिट्रेशन हाई डिपोजिशन रेट के साथ. तो इसलिए हमें हाई वेल्डिंग स्पीड मिल जाती है, हाई वेल्डिंग करंट मिल जाता है जिसे हम इस प्रोसेस में अप्लाई करते हैं. और ये तीन रीजंस की वजह से हमें मिलता है, तीन रीजंस के एब्सेंस और प्रेजेंस होने की वजह से. पहला, एब्सेंस ऑफ स्पेटर. स्पेटर टेंडेंसी को अवॉइड क्या करता है, मोल्टन फ्लक्स की लेयर जो कि कवर बना लेती है उस, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो उस मोल्टन फ्लक्स की लेयर के कवर की वजह से जो स्पेटर टेंडेंसी है वो अवॉइड हो जाती है. तो इसीलिए पहला जो पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ स्पेटर जिसकी वजह से हमें हाई वेल्डिंग करंट और हाई वेल्डिंग स्पीड मिल जाती है. दूसरा पॉइंट है रिड्यूस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ एयर इंट्रेनमेंट इन द आर्क जोन. आर्क जोन में एयर के एंटर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और वो किसकी वजह से होती है, मोल्टन फ्लक्स की वजह से और जो स्लैग जो शील्ड बना लेता है वेल्ड मेटल पर उसकी वजह से होती है. तीसरा पॉइंट है इसका लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रोड. मतलब जो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है वो लार्ज होता है, इसकी वजह से हमें वेल्डिंग करंट की मतलब वेल्डिंग करंट हाई मिल जाता है और हाई वेल्डिंग स्पीड भी मिल जाती है. तो ये इन तीन रीजंस की वजह से ऐसा होता है. अब मैं आपको इक्विपमेंट्स बता देती हूँ. तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो बिल्ट हो सकती है मेन पार्ट्स के साथ, मेन पार्ट्स और इक्विपमेंट्स के साथ. और वो मेन पार्ट्स और इक्विपमेंट्स कौन से हैं, जैसे कि वेल्डिंग हेड, फ्लक्स हूपर, फ्लक्स इलेक्ट्रोड वायर फीड यूनिट, इलेक्ट्रोड और फ्लक्स रिकवरी यूनिट. तो ये मेन पार्ट्स होते हैं. कुछ पार्ट्स आपको इस डायग्राम में शो हो रहे होंगे और कुछ पार्ट्स नहीं शो हो रहे होंगे. तो उन पार्ट्स की जो नहीं शो हो रहे हैं इस डायग्राम में उनकी मैं आपको थ्योरी बताऊंगी क्योंकि किसी बुक में हर एक पार्ट को प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया किसी बुक में. और फ्लक्स रिकवरी यूनिट और फ्लक्स ऊपर दोनों ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स हैं, मेन इक्विपमेंट्स हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के. तो फ्लक्स रिकवरी यूनिट के लिए मैं अलग से एक डायग्राम बना के आपको वो दिखाऊंगी कि उसको फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं आपको फ्लक्स ऊपर का काम बता देती हूँ. फ्लक्स ऊपर क्या करता है, ये फ्लक्स को स्टोर करता है और डिलीवर करता है फ्लक्स को टू द वेल्डिंग जॉइंट. और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है वेल्डिंग जॉइंट पर जो फ्लक्स की रेट ऑफ डिपोजिशन है उसे कंट्रोल करता है. तो ये फ्लक्स ऊपर का काम है. अब ग्रेन्युलर फ्लक्स की वर्किंग बताती हूँ. ग्रेन्युलर फ्लक्स जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये वेल्डिंग आर्क को शील्ड करती है. मतलब इट इज़ यूज टू शील्ड द वेल्डिंग आर्क. और ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है, ये सिलिका इंक्लूड करती है, सिलिका, लाइम, कैल्शियम फ्लोराइड, ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, मैंगनीज ऑक्साइड एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रेन्युलर फ्लक्स इंक्लूड करती है. और ये ग्रेविटी की हेल्प से जो वेल्ड जोन है उस पर गिरती है. मतलब विद द फ्लो ऑफ ग्रेविटी ये वेल्ड जोन पर पड़ती है. तो ये काम है ग्रेन्युलर फ्लक्स का. और जब भी ये मेल्ट होती है, ये जो फ्लक्स है जब मेल्ट होती है देन इट टर्न्स इनटू कंडक्टिव एज वेल एज कंडक्ट्स द करंट अमंग द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो अब मैं आपको इलेक्ट्रोड वायर फीड यूनिट के बारे में बताती हूँ. इलेक्ट्रोड वायर फीड यूनिट क्या करती है, वो ऑफर करती है नॉन स्टॉप इलेक्ट्रोड वायर को जो कि फीड होती है टुवर्ड्स अ वेल्डिंग जॉइंट. और ये इंक्लूड करती है एक रील जिसमें कि इलेक्ट्रोड वायर जो है वो टोटली वाउंड होती है या फिर इंसर्टेड होती है. ठीक है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ हो सकती है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के लिए, विच इज़ अ लूप ऑफ बेयर राउंड वायर विद 1.5 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर डायमीटर की.
और ये रूटीनली फेड होती है वेल्डिंग गन से, ये जो इलेक्ट्रोड वायर है वो रूटीनली फेड होती है। और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की जो कंपोजिशन है वो वेल्डेड मटेरियल पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोड्स ये अवेलेबल होते हैं हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, लो एंड स्पेशल अलॉय स्टील्स, स्टेनलेस स्टील, इन सारे स्टील्स को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड जो है वो अवेलेबल होते हैं। जनरली इलेक्ट्रोड जो है वो कवर्ड होते हैं कॉपर से, ताकि जो रस्टिंग है वो स्टॉप हो सके और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो एम्पलीफाई हो सके। अब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वेल्डिंग हेड के बारे में भी दे देती हूँ। वेल्डिंग हेड जो है वो फिलर को एज वेल एज फ्लक्स मेटल को सप्लाई करने के लिए यूज़ होता है जॉइंट्स की तरफ वेल्डिंग के लिए, तो ये काम वेल्डिंग हेड का होता है। अब मैं आपको फ्लक्स रिकवरी यूनिट के बारे में बता देती हूँ विद डायग्राम। तो अब मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से फ्लक्स रिकवरी ट्यूब या फिर फ्लक्स रिकवरी यूनिट के बारे में बताती हूँ। फ्लक्स रिकवरी ट्यूब क्या करती है, वेल्डिंग के बाद जो बचा हुआ फ्लक्स है, मतलब नॉट यूज्ड फ्लक्स है, उसको गैदर करने के लिए यूजफुल होती है। मतलब इज़ यूज टू गैदर द नॉट यूज्ड फ्लक्स प्रेजेंट आफ्टर वेल्डिंग एंड आफ्टर रिकवरी इट कैन बी यूज अनदर टाइम फॉर द जॉइनिंग। तो ये काम है फ्लक्स रिकवरी ट्यूब या फिर फ्लक्स रिकवरी यूनिट का। अब यहाँ पे आप वायर रील देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड वायर फीड यूनिट के बारे में, कि इलेक्ट्रोड वायर फीड यूनिट क्या करती है, ऑफर करती है इलेक्ट्रोड वायर को ऑफर करती है टुवर्ड्स अ वेल्डिंग जॉइंट, मतलब नॉन स्टॉप इलेक्ट्रोड वायर को ऑफर करती है, फीड करती है वेल्डिंग जॉइंट की तरफ। और ये इंक्लूड करती है एक रील जिसमें कि इलेक्ट्रोड वायर जो है वो वाउंड होती है। तो ये वही वायर रील है जिसमें कि इलेक्ट्रोड वायर वाउंड होती है एंड देन फिर इलेक्ट्रोड वायर निकलती है ताकि वेल्डिंग डन हो सके, जॉइनिंग डन हो सके। तो ये काम मैंने बता दिया आपको सारे इक्विपमेंट्स के बारे में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के। तो अब मैं आपको मेन टाइप्स के फ्लक्सेस के बारे में बता देती हूँ जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में यूज़ होते हैं। उससे पहले मैं आपको पावर सोर्स के बारे में बता देती हूँ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के। जनरली सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो है पावर सोर्स का यूज़ करती है एट 100% ड्यूटी साइकिल। इसका मतलब क्या है कि जो वेल्डिंग है वो कॉन्टीन्यूसली 5 मिनट के लिए डन होगी, मिनिमम 5 मिनट के लिए डन होगी बिना किसी ब्रेक के। और ये जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर कैसा है, किस टाइप का हम फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसी है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो वर्क कर सकती है अल्टरनेटिंग करंट के साथ भी और डायरेक्ट करंट के साथ भी, मतलब कैन वर्क विद बोथ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अब मैं फ्यूज फ्लक्सेस के बारे में बता देती हूँ। जब हम फ्यूज फ्लक्सेस बनाते हैं तो रॉ मटेरियल्स को पहले ड्राई किया जाता है, फिर उनको आपस में मिक्स किया जाता है और फिर उन्हें फ्यूज़ या फिर मेल्ट किया जाता है इनटू अ लिक्विड स्टेट बाय यूजिंग अ हाई टेम्परेचर फर्नेस। और फ्यूजन जैसे ही कंप्लीट होता है फ्लक्सेस को कूल किया जाता है, और किसकी हेल्प से कूल किया जाता है, बाय यूजिंग अ स्ट्रीम ऑफ वाटर और विद बिग चिल ब्लॉक्स, इनकी हेल्प से ये जो कूलिंग है वो अकॉम्प्लिश होती है। जैसे ही फ्लक्सेस कूल होते हैं तो उन्हें क्रश या फिर ग्राइंड किया जाता है इनटू पार्टिकल्स, जैसे ही फ्लक्सेस हमारे कूल हो जाते हैं। अ वैरायटी ऑफ पार्टिकल साइजेस आर मेड टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो ये फ्यूज फ्लक्सेस के बारे में था। अब मैं इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देती हूँ। तो अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो नॉन हाइग्रोस्कोपिक फ्लक्स पार्टिकल्स होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और इसीलिए सरफेस पर अगर कोई भी मॉइस्चर हो, अगर मॉइस्चर पार्टिकल अगर हो तो उसे ईजिली एलिमिनेट कर दिया जाता है उन पार्टिकल्स को लो टेम्परेचर पर ड्राई करके। तो ये एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हाई टेम्परेचर का यूज़ होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि अलॉयज और डिऑक्सीडाइजर्स ऐड नहीं हो पाते, मतलब डिफ़िकल्टी होते हैं उनकी एडिशन में। हाई टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ऐड अलॉयज एंड डिऑक्सीडाइजर्स। तो अब बॉन्डेड फ्लक्सेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या किया जाता है, पहले तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया जाता है, उसके बाद फिर लिक्विड्स बाइंडर का यूज़ किया जाता है जैसे कि सोडियम सिलिकेट या फिर पोटेशियम सिलिकेट, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में ग्लू हो जाए, बाइंड हो जाए। और बॉन्डिंग के बाद क्या होता है, इस मिक्स को, इस बैटर को पैलेट्स में भरा जाता है और बेक किया जाता है लो ओवन टेम्परेचर पर। और जैसे ही ये ड्राई हो जाते हैं पैलेट से, मतलब पैलेट्स के अंदर जैसे ही ये प्रॉपरली ड्राई हो जाते हैं इन्हें पैलेट से निकाल लिया जाता है। द पैलेट्स आर ब्रोकन अप बाई यूजिंग अ सीव टू अटेन द डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज। पैलेट्स को तोड़ दिया जाता है ताकि सीव की हेल्प से, ताकि हमें एक डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज मिल पाए। तो ये है बॉन्डेड फ्लक्सेस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताती हूँ बॉन्डेड फ्लक्सेस के। तो अब हम बॉन्डेड फ्लक्सेस के एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। डीऑक्सीडाइजर जो है वो प्रेजेंट होते हैं बॉन्डेड फ्लक्सेस में, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनको रस्टिंग से, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रस्टिंग। और यही डीऑक्सीडाइजर जो है वो वेल्ड्स को प्रिवेंट भी करते हैं, ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट वेल्ड्स फ्रॉम बिकमिंग पोरस। ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि बॉन्डेड फ्लक्सेस जो है वो अपने कलर से आइडेंटिफाई हो जाते हैं ईजिली।
तीसरा एडवांटेज ये है कि बॉन्डेड फ्लक्सेस टिपिकली प्रोवाइड बेटर पीलिंग प्रॉपर्टीज देन फ्यूज फ्लक्सेस. तो ये एडवांटेजेस हैं बॉन्डेड फ्लक्सेस के. अब डिसएडवांटेज बताती हूँ. तो बॉन्डेड फ्लक्सेस के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर. और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि दे कैन चेंज इन कंपोजिशन ड्यू टू सेग्रीगेशन और लॉस ऑफ फाइन पार्टिकल साइज. सेग्रीगेशन या फिर लॉस ऑफ फाइन पार्टिकल साइज की वजह से इसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है. तो ये डिसएडवांटेजेस हैं. और भी कई इसके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हैं फ्लक्सेस की, बट मेन मैंने आपको बता दिए. अब मैं आपको बाकी की दो जो फ्लक्सेस हैं मेन उनके बारे में बताती हूँ. एग्लोमेरेटेड फ्लक्सेस जो होती है ये बॉन्डेड फ्लक्सेस के सिमिलर होती हैं, एक्सेप्ट ये डिफरेंस होता है इसमें कि सिरेमिक बाइंडर्स का यूज़ होता है, सिलिकेट बाइंडर्स का यूज़ नहीं होता है. दीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ बॉन्डेड फ्लक्सेस एक्सेप्ट दैट दे यूज़ सिरेमिक बाइंडर्स एंड रिप्लेसेस सिलिकेट बाइंडर्स. और ये क्या करते हैं, ये इस एग्लोमेरेटेड फ्लक्सेस जो होती है ये प्रोवाइड करती है बेटर वर्किंग कंडीशन, लेस स्मोक और लेस पैटर. और एप्लीकेबल होती है ये थिन शीट वेल्डिंग में, एप्लीकेबल होती है फिलेट वेल्डिंग में, हाई स्पीड वेल्डिंग में, मल्टीवायर वेल्डिंग और ग्रूव वेल्डिंग में. इन सारी वेल्डिंग्स में ये एप्लीकेबल होती है. अब मैं आपको मैकेनिकल फ्लक्स के बारे में बता देती हूँ. अब मैकेनिकल फ्लक्सेस क्या होते हैं, अगर हम दो या तीन टाइप के फ्लक्सेस को डिज़ायर्ड रेशियोज में मिक्स कर लें तो हमें मैकेनिकल फ्लक्सेस मिलेंगे. जो मैंने आपको फ्लक्सेस बताए, एग्लोमेरेटेड फ्लक्सेस, बॉन्डेड फ्लक्सेस, फ्यूज फ्लक्सेस, अगर उन तीनों को या फिर उनमें से किसी दो को हम मिक्स कर ले डिज़ायर्ड रेशियोज में तो हमें मैकेनिकल फ्लक्सेस मिलेंगे. अब मैं आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस बताती हूँ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की. तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का हाई डिपॉजिट रेट होता है, 45 kg/h इसका हाई डिपॉजिट रेट होता है. ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस में काफ़ी यूजफुल होती है और बहुत ही स्मॉल वेल्डिंग स्मोक भी इसमें ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है. ये इनडोर और आउटडोर दोनों जगह यूज़ होती है. दिस मेथड इज़ यूज्ड इन इनडोर एंड आउटडोर. और इसमें कोई भी एस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट या फिर नीड नहीं होती है. नो एस ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड और नीडेड. और नो चांस ऑफ वेल्ड स्प्रिंकल्स बिकॉज इट इज़ सबमर्ज विद इन फ्लक्स ब्लैंकेट. और क्योंकि ये फ्लक्स ब्लैंकेट के अंदर सबमर्ज होती है, जो ग्रैनुलर फ्लक्स की जो सॉलिड लेयर है वो मेल्टेड मेटल को टोटली रैप कर लेती है, जिसकी वजह से स्प्रिंकल और जो फ्लैश जो अकर होती है ना बेसिकली वो इसमें अकर नहीं होती है क्योंकि वो टोटली सबमर्ज होती है. सबमर्ज और पेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये जो प्रोसेस है ये इनकम्प्लीट है टू सम पर्टिकुलर मेटल्स. कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के लिए ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है. दूसरा डिसएडवांटेज ये है द एप्लीकेशन इज इम्परफेक्ट टू डायरेक्ट सीम वेसल्स एंड पाइप्स. तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स अकर होती है, फ्लक्स की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स अकर होती है. और इसमें स्लैग एलिमिनेशन जो है वो डिज़ायरेबल होता है वेल्डिंग के बाद. स्लैग एलिमिनेशन इज़ डिज़ायरेबल आफ्टर वेल्डिंग. अब एप्लीकेशंस बताती हूँ इसके. समर्ज आर्क वेल्डिंग की जो एप्लीकेशंस है मैं ऑलरेडी पूरी वीडियो में कई बार बता भी चुकी हूँ. और ये कुछ और एप्लीकेशंस हैं. द समर्ज आर्क वेल्डिंग कैन बी यूज टू वेल्ड प्रेशर वेसल्स लाइक बॉयलर्स. और ये जो इस तरीके की जो वेल्डिंग है वो यूज़ की जाती है टू रिपेयर मशीन पार्ट्स. मशीन पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है. और इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्रोसेस, सो इट कैन बी यूज फॉर जॉइनिंग एंड बिल्ट अप ऑन वॉर्न आउट सर्फेसिस. और ये स्ट्रक्चरल आउटलाइंस में भी यूज़ होती है, पाइप्स के लिए यूज़ होती है, शिप बिल्डिंग में, रेल रोड कंस्ट्रक्शन में, लोकोमोटिव्स में, हर जगह ये यूज़ होती है समर्ज आर्क वेल्डिंग. तो इस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो प्रोसेस है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड द मेन टाइप्स ऑफ फ्लक्स फॉर सॉ वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर आपको अपनी किसी रिलेवेंट टॉपिक पर फर्दर वीडियोज चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो. थैंक यू वेरी मच.